लोक प्रसार चलन देख रहा है सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद भाण भाइयों। आज फिलहाल खड़े हैं हम गांव मढ़ाण में जहां पर युवा आयोग के चेयरमैन भाई मुकेश गौड़ यहां मुख्य अतिथि हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत यहां गांव मढ़ाण में पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है बाहर ग्रामीणों द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा। जो मुकेश गौड़ जी हैं युवा आयोग के चेयरमैन, उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा एक अभियान चला रखा है और उसी के तहत आज यहाँ पर पहुँचे हैं गांव मढ़ाण में। और ये मुकेश गौड़ जी, इनका स्वागत कर रहे हैं ग्रामीण और अन्य लोग जो और आइए आप दिखा देता हूँ मैं इधर। हम सब का परम कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का। ये बच्चे अपने रास्ते से भटकते, कहीं ना कहीं से का भी परम कर्तव्य बनता है। जो रास्ता माँ बाप ने दिखाया, गुरुजनों ने दिखाया, उस रास्ते के ऊपर चले। आप ऐसी पावन पवित्र भूमि में पैदा हुए हैं जहां पर चैंपियन पैदा होते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं, आपकी जवानी को आप नशे के अंदर बर्बाद करते हैं। पता नहीं कितने कोटि जन्म लेने के बाद में व्यक्ति को मानव जन्म मिलता है, मानव रूपी जन्म मिलता है, और आप उसको नशे के कारण बर्बाद कर दें। आप अपने आप को इस राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत करके नशे से दूरी बना करके राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। ये खेलों की भूमि है, फौजियों की भूमि है, आप उसी काम को आगे बढ़ाने का काम करें। फैसले हमने पंच प्यारों ने बैठ करके पंचायत में कर दिए। वो पहले क्या काम था कि यहीं बैठ करके सारे समझौते फैसले हो जाया करते। नशा शुरुआती तौर के ऊपर कोई भी बच्चा अगर शुरू करता है तो वो शौकिया तौर पर करता है। 90% बच्चों के ऊपर उसके साथी का दबाव होता है, जन्मदिन की पार्टी को लेकर या विवाह शादी के उत्सव के नाम पर या कोई न कोई कारण से होता है कि भाई एक बार पी ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और वो शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक वीर से शुरू हुआ नशे का रास्ता और उसको विनाश की तरफ लेकर के जाता है। आदत जो है वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। नशा अपराध का सबसे बड़ा जन्मदाता है। बच्चे के पास पैसे होते नहीं, रोजाना अखबार और टेलीविजन में फेसबुक पर सोशल मीडिया में देखते होंगे, बोला चैन स्नेचिंग की घटना हो गई, बच्चा चोरी की घटना हो, रात के अंधेरे में एटीएम उखाड़ लिए गए, पेट्रोल पंप के ऊपर लूट हो गई। ये तमाम जो घटनाएं हैं इनमें 80% लोग नशे की गिरफ्त में आने के बाद जब उनको पैसा नहीं मिलता तो वो अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं। पवन जी भी कह रहे थे कि भी बच्चों के अंदर मोबाइल का, मैं भी 4 बच्चों का बाप हूं, आज की डेट में ये भी एक नशा है, एडिक्शन है। बच्चे को मोबाइल से दूर रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, निश्चित तौर पर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। ये भी नशा है। नशा केवल और केवल बीड़ी का, दारू का, सिगरेट का, हुक्के का, अफीम का, चरस का, गांजे का नहीं है। ये दारू बीड़ी सिगरेट तक चलता था तब ठीक था, मान लो कोई नहीं, परंतु अब पाकिस्तान और चाइना की बहुत बड़ी योजना, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क 135 करोड़ आबादी में से जिसकी 65% आबादी नौजवान हो, उस मुल्क के नौजवान को कैसे रास्ते से भटकाया जाए, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नशे का रास्ता पाकिस्तान की लगती जो सीमा है
आप एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आपने देखा होगा पंजाब के नौजवानों का हाल क्या है। योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के अंदर नशा लेकर के आया गया, पंजाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री हुई। क्या कारण है कि हमारे मुकाबले फतेहाबाद सभी आगे करने नशा मुक्ति अभियान में मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा भाई मुकेश गुआड, मैं शपथ लेता हूं कि समाज और देश को नशे से बचाने के लिए मैं ही नशा करूंगा, मैं ही नशा करने दूंगा। नशीली दवाइयों का जितना हो सकेगा बहिष्कार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।